पहले तो बोल रही थी तू शादी कर ले आता केलं लग्न तर काय प्रॉब्लेम आहे तुला गाइस मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि आज मैं प्रीति पे एक प्रैंक करने वाला हूँ। बहुत ही खतरनाक प्रैंक है। मैं उससे ये प्रैंक करने वाला हूँ कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। उसको तो ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली है। वो मुझे क्या पता मारेगी, घर से बाहर निकलेगी, आई डोंट नो क्या उसकी रिएक्शन होगी। बट ये प्रैंक तो करना है गाइज, और उसके लिए मैं अभी सुबह जाके उससे झगड़ा करता हूँ, और फिर झगड़े का रीजन देख के फिर मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि उसके ऊपर ये प्रैंक करते हैं। बहुत डर लग रहा है मुझे, पर चलो करते हैं। गाइज मैंने यहाँ पर कैमरा तो सेट कर लिया है, थोड़ी देर में आती होगी, अभी बस मुझे उससे झगड़ा करना है। A few moments later. अरे संकेत तू पिकूचा टॉय बघितला का यार, तू केवढा रडतोय। पिकूचा टॉय सोड ना, मला नाश्ता दे ना पहिले। अरे देते ना, थांब ना जरा, काय तुला एवढी काय माहिती ना, मला नाश्ता नाही मिळाल्यावर माझी चिडचिड होते सकाळी सकाळी। अरे ठीक आहे ना, थांब ना, 15 मिनिटं देते ना। 15 मिनिटं मला नको, सकाळपासून आता 1 तास झाला मी उठून सगळं करून, मला नाश्ता पाहिजे, जा आण। थांब जरा 15 मिनिटं, मग मी देते। 15 मिनिटं नाही, लवकर आण जा। अरे तिथे टॉय शोधते, ते टॉय बी राहून दे पहिले, मला नाश्ता आण जा। अरे संकेत वेड आहेस का, तुला जमत नाहीये का? हा नाही जमत आहे मला, जा। नाही जमत आहे तुला? नाही जमत आहे मला। मी दुसरी बायको आणून दाखवतो तुला, ती करेल तेव्हा तुला कळेल की जमत नाहीये का। तू कर दुसरं लग्न, उलटा बरं होईल, माझ्या डोक्यावरचं टेन्शन जाईल। आणि बाय द वे तुझ्याशी लग्न करणार कोण आहे? तू बघ, तुला तुला असं वाटतंय मला कोण भेटणार नाही? नाही भेटणार, नाही भेटणार, नाही। आता क्या लग्न करायला चाललायस? तू दाखवतोस तुला, आता तू जसं बोललीस ना, आता बघ तू फक्त जा जा। लगता है संकेत ने आज घर में फुल दंगल मचा है, क्योंकि प्रीति इतना भड़क रही है ऑफिस में, सबको आके चिल्ला रही है, ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया, मेरे को भी चिल्ला है। तो पहले अब मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि संकेत ने किया क्या है। मैं उसको फोन लगा के पूछते, संकेत हाँ संगी, हेलो, अरे तूने क्या किया है यार? मैंने सुबह सुबह प्रीति के साथ वो प्रैंक करने वाले थे ना, तो मैंने कर लिया है उसके साथ। हाँ। और झगड़े में मैंने बोल दिया कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ। अबे प्रीति ऑफिस में आके इतना चिल्ला रही है सबको, अभी मेरे को भी चिल्लाई, तो मैं भाग के बाहर आया, मेरे वाला पहले संकेत को कॉल करके पूछ। Oh my God, मैं अभी बहुत ये सुन के तो मैं और भी नर्वस हो रहा हूँ कि इतने से झगड़े की वजह से वो इतना गुस्सा कर रही है। Oh God, पता चलेगा कि मैं दूसरी शादी करके आया हूँ तो वो क्या करेगी। एक काम करता है तो मैं अभी फोन रखता हूँ, क्योंकि वो मैं कैमरा लेके बाहर आया हूँ ना, तो शाम को मिलते हैं, ठीक है? मैं बैट वेट भी लेके आऊंगा कि अच्छे से मारे तेरे को। तू चुप बैठ, मुझे बहुत पहले से डर लग रहा है, मैं जाता हूँ अभी दूसरी शादी करके आता हूँ। मैं अभी दूसरी शादी करके आया, जा कर गया। ओह माय गॉड, तो अब मिलेंगे शाम को, और शाम को आने वाला है मजा। चल बाय। लेटर दैट सेम इवनिंग। अरे यार ठीक से बैठना। हाँ तो गाइस फिट हो गया है कैमरा, मैंने एकदम अच्छे से छुपाया है कैमरा कि किसी को दिखेगा ही नहीं। जैसे कि आपने देखा कि सुबह ना मस्त वाला झगड़ा हो गया, और प्रीति ने जो मुझे चाहिए था वही बोल दिया है। अभी बस ड्राइवर ना लेके आता ही होगा उसको घर पे ऑफिस से। मैं भागता हूँ और जल्दी अपनी बीवी को लेके आता हूँ, दूसरी बीवी को। राजा जी, अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो? और प्रीति आ जाएगी, चलो मैं जाता हूँ, बहुत नर्वस हूँ। One hour later. तुम लोग अचानक
प्रीति तुम लोग का क्या चल रहा है दोनों का? क्या बोल रही थी? क्या बोल रहा है संकेत कि मैंने डिसीजन ले लिया है, घमासान हो गया बहुत बड़ा, अब बात करके कोई मतलब नहीं है, ये है। अरे उमेश मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि संकेत ना इतनी छोटी बात को इतना क्यों बड़ा कर रहा है। प्रीति मैं एक बात कर रहा हूं, हो जाता है समय पे झगड़ा। हां क्यों थोड़ा ज्यादा, पर संकेत झगड़ालू थोड़ी है, आज क्या हो गया उसको? अरे तो मैं उसे कब से फोन कर रही हूँ, मेरा फोन भी नहीं उठा। अरे उसने बोला वो आ रहा है, बस आता ही होगा शायद। अरे लेकिन उमेश तूने तू उसे भी तो समझा सकता है ना। मैंने उसको बोला बट वो कह रही है डिसीजन ले लिया। कौन सा डिसीजन? वही बोल रहा है। कृति का पैर छुओ सबके। तू नहीं? अरे क्यों भाई, क्यों पैर क्यों छुएंगे हमारे? वही पैर को नहीं देखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? क्या क्या मतलब? क्या प्रीति बता ना, क्या तू बोलली होतीस की तुला दुसरी कोणी भेटू नाही शकत, तू जाऊन लग्न करून दाखव। मी केलं, मैंने शादी किया। हस्बैंड वाइफ मिलके सुबह से आपको प्रैंक बना रहे हैं। हां हमारे साथ प्रैंक कर, और हम इतने अर्जेंटली आ गए इस चीज के लिए। एक मिनट, कौन है क्या? अरे यार शादी कर ली, तू मुझे रोज बोलती थी, रोज बोलत होती थी मला की तू करून दाखव तुला कोण भेटणार नाही भेटणार नाही, माझी जुनी मैत्रीण आहे। अरे तो रोज मैं तुझे बोलती हूँ कि जा जाओ बिल्डिंग से जाके कूद जा, तो कूद जाएगा क्या तू? मस्ती कर रहा है। मैंने सुबह प्रीति से झगड़ा हुआ। हाँ, पर तो ये झगड़ा पहली बार नहीं हुआ है, वो मुझे रोज झगड़ा होता था। तो झगड़ा बोलती थी, आज मेरी नहीं, वो मेरी पुरानी फ्रेंड है, मैंने बात कर रखी थी उसके साथ, मैंने शादी कर दी। कुछ भी बातें करके आपका दिमाग ना खराब हो गया, सच्ची बोल रही हूं। शादी करेगा क्या तू? मेरे पति से दूर रहा। प्रीति तू शांत हो पहले, मी खरं सांगतो ती माझी बायको आहे, तुला ऍक्सेप्ट करावं। तुझसे ना मैं बात करूंगी, तू निकल। मी राग हरे आहे। अरे प्रीति तू शांत हो, खरं असं काय मारामारी वगैरे करू नको, ती खरंच माझी वाईफ आहे, तू असं नाही करू शकत। प्रीति खरं सांग, शांती से मिलके एक बार सॉल्व करते गाइस। प्रीति खरं ती माझी वाईफ आहे, तुला कळत का नाहीये? तू माझ्या मागे रोज लागायची। कस काढू, तीच पण घर आहे आता ते। तुम्ही उसे मारा कैसे? अरे प्रीति, अरे मजा क्या? अरे सुनेगी मेरी बात, सुन। क्या हम लोग ने सोचा था कि आज ना तेरे साथ प्रैंक करेंगे, ठीक है? हम तीनों का आइडिया था वो, तो वो हम तीनों के आइडिया में हमने उसको लिया था, उसको जो मारा यार वो मस्ती। अरे ठीक है भाई, तू इसको क्यों मार रही है बेचारी को? अरे ये मेरी फ्रेंड है, इसका हम कृति का है यार। तुम इनके मेलोड्रामा में अरे यार तुमने सच्ची प्रीति बहुत मार दिया उसने। लेकिन मुझे सब, लेकिन मैं घर पे आई कि मैंने देखा कैमरा तो था नहीं। कैमरा है, कैमरा के इधर तो होगा ही। यार प्रीति भी ना। अरे यार मजा आ गया यार। हाँ यार जान मत का। ओ अच्छा देख,
यहाँ पर रखा था। छोटा सा कैमरा है ये, कैमरा। ओ वाह, ओ ये कितना छोटा सा कैमरा है। तुम लोगों को शर्म वरम आती ही नहीं है। एक्चुअली मैं सच, आपको लगेगा कि शायद ये फेक वगैरह होगा, लेकिन सुबह से सच में संकेत मुझसे झगड़ा कर रहा था, तो मुझे एक लेवल पे ऐसा लगा कि शायद उसने शादी और इसी झगड़े का हमने फायदा लिया। फायदा लिया और बेचारा हमने तो फायदा लिया, उसने मार खाया। मार खाया तो प्लीज हमारे लिए, तो कृतिका के लिए तो प्लीज लाइक करो, यस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, और हमें नेक्स्ट प्राइम करिए। और गाइस मैं सच्ची बोलता हूँ, स्टार्टिंग में मुझे लगा कि प्रीति सिर्फ नहीं थोड़ा गुस्सा होगी और नहीं रोएगी वो वगैरह, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो इसको इतना मार सकती है। उसको छोड़, संकेत को दो थप्पड़। मुझे मतलब मुझे पता था प्रीति मार सकती है, पर कभी इतना मार गई ऐसा कभी नहीं सोचा। अरे तेरे नारी नारी के चक्कर में उसका चेहरा बिगड़ जाता है। अभी हम जाके खाना खाएंगे।